हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, अर्ध बालाजी पर पंच बीट की सीजन 2 यानी कि प्रियांक शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा जो कि लीड कैरेक्टर्स में हैं इस सीरीज के, उनकी वेब सीरीज की सीजन 2 आउट हो चुकी है। पंच बीट अगर आपको याद हो तो सीजन 1 बेसिकली एक हाई स्कूल ड्रामा की वेब सीरीज है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ भी बहुत सारे लोग इसे कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भी है। इसमें आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ भी और भी बहुत सारे ड्रामा और भी बहुत सारी थ्रिलिंग चीजें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सीरीज के अंदर आपको क्या अच्छी चीजें, इस सीजन के अंदर क्या बुरी चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सीरीज आपको देखनी चाहिए नहीं, वो भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस सीजन के अंदर आपको पंच बीट के सीजन 2 में टोटल 13 एपिसोड्स मिलने वाले हैं, जिसकी लेंथ करीब 21 से लेकर 24 मिनट तक की है, और लास्ट वाले एपिसोड 29 मिनट्स की है। थोड़ी सी लंबी है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज्यादा बड़ी सीरीज भी नहीं है। आराम से वन गो में या फिर 2 दिन के अंदर आप देखकर इसे खत्म कर सकते हैं। मैंने तो वन गो में ही कर दिया था। सीजन 2 मुझे सीजन 1 के मुकाबले थोड़ी अच्छी लगी। स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करती है सीजन 1 जहां पे एंड होती है वहीं से स्टार्ट होती है, एक मर्डर मिस्ट्री के साथ। एक हाई स्कूल के बच्चे का मर्डर हो जाता है उनके स्कूल में, और पुलिस आपको नजर आने वाली है, इसके अंदर मर्डर मिस्ट्री भी नजर आने वाली है। और जो सीजन 1 में आपको ड्रामा और पॉलिटिक्स देखने को मिला था स्टूडेंट्स के बीच में, वो थोड़ी और इंटेंसली नजर आने वाली है इस चीज के अंदर। राहत और रणबीर का कैरेक्टर आपको दोबारा से अच्छा लगने वाला है। प्रियांक जिसने राहत का रोल प्ले किया और सिद्धार्थ शर्मा जिन्होंने रणबीर का रोल प्ले किया है, उनके बीच में जो आपको पॉलिटिक्स और उनके बीच में ड्रामा आपको इस सीजन के अंदर भी भरपूर नजर आने वाली है, जो कि ऑडियंस को काफी एंगेजिंग और अच्छी भी लगने वाली है। इस सीजन 1 से अच्छी क्यों है, क्योंकि इस सीजन के अंदर जो भी आपको ड्रामा सीजन 1 के अंदर नजर आया था, जो भी इंटेंसिटी और जो भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जो भी आपको सीन्स लगे थे, वो सीन्स इस सीजन के अंदर और ज्यादा इंटेंसली और अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। इस सीजन के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो एक थ्रिल बनाने के लिए मर्डर मिस्ट्री को ऐड किया गया है, वो चीज भी अच्छी है। बाकी इस सीरीज का मेन तो वही रहता है, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो टकरार रहती है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि फिनिक्स चैंपियनशिप रहती है, वो भी होगी। उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देख लेना। बाकी इस सीरीज की डायलॉग, स्क्रिप्ट, डायरेक्टिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छी है। एक कमी जो मुझे इस सीरीज के अंदर नजर आई वो ये थी कि जो कंसेप्ट है सीरीज का रईसों के ऊपर ही दिखाया गया है, जो चीज थोड़ी सी डाइजेस्ट करना मुश्किल है हर किसी को, बट अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं। बाकी इसके अलावा इस सीरीज के अंदर कोई अच्छी चीज या बुरी चीज मुझे नहीं लगता मैंने छोड़ दिया है। एवरेज और डिसेंट सीरीज है। अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो सीजन 2 आप डेफिनेटली देखिए, आपको उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये चीज की श्योरिटी दे सकता हूं। बट अगर आपको सीजन 1 ही अच्छा नहीं लगा था तो फिर सीजन 2 देख के कोई फायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, बस इसी के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने रिव्यू जरूर बताना, और इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।